आज हम बनाएंगे रशियन कटलेट। उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। एक गाजर हमने कद्दूकस कर ली है और ये फनस भी है, इसको हमने बारीक काट लिया है। 5-6 फनस भी लिए हमने। मैदा हमने लिए 2 चम्मच भर के। घी बड़े 2 चम्मच भर के है। हल्दी आधा चम्मच से थोड़ा कम। ये जीरा है आधा चम्मच। और ये हमने बोनलेस चिकन लिया था 350 ग्राम, उसको उबाल कर बारीक रेसे कर लिए हैं। ये चिकन का पानी है आधा लीटर। चिकन हमने उबलने रखा था तो उसमें आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था, ये हमें बाद में आधा लीटर पानी करीब चाहिए। और इसमें हमने 1 चम्मच भर के मिर्ची का पेस्ट डाला है, 1 चम्मच भर के लहसुन का, 1 चम्मच भर के अदरक का और 1 चम्मच नमक। ये तीनों चीज़ें डाल के हमने चिकन को अच्छे से उबाल लिया था और ये इसका आधा लीटर पानी है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में घी डाल देंगे। घी गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें जीरा डालेंगे। घी गर्म हो गया है और इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को थोड़ा चलाएंगे, इसमें खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसमें मैदा डाल देंगे। जीरा भुन चुका है, अब हम मैदा डालेंगे। मैदा डाल के अच्छे से इसमें घी में मिक्स करेंगे और उसको अच्छे से चलाएंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे, ये नीचे से जले नहीं। मैदा भुन गई है, अब हम चिकन का पानी डाल देंगे मैदा के अंदर और उसको मिक्स कर देंगे और अच्छे से चलाएंगे ताकि कोई इसमें लम्स ना बने। इस तरीके से चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है, मैदा हमारा खट्टा होने लगा है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। चिकन का थोड़ा पानी हमने बचा लिया था वो कढ़ाई में डाल दिया। अब हम इसके अंदर फनस भी और गाजर डाल के अब इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। जीरा और गरम मसाला पाउडर मैंने आपको बताया नहीं था, अभी मैं इसमें डालूँगी। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ढक के रख देंगे इसको 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे ताकि सारी सब्जियां गल जाएं अच्छे से। अब मैं ढक्कन खोल रही हूँ, सब्जियाँ गल गई हैं। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। हरा धनिया डाल देंगे। और अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया है, अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे इसके अंदर। चिकन और मैदा को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
यहाँ पर हम नमक चख लेंगे कि हमने नमक बाद में बिल्कुल नहीं डाला है, चिकन उबलने में ही डाला था बस। अगर हमें कम लगेगा नमक तो डाल देंगे थोड़ा। इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है। एक बाउल में हमने 3 अंडे फोड़ लिए हैं। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक, और इसको फेंट लेंगे। मिक्स हो गया है। अब कटलेट बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे लंबे शेप में। ये देखें, ये बन गया। अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे और अब इसमें सेमई लगाएंगे। मैंने सेमई बारीक वाली ली है। ये रेडी है। अब इसी तरीके से हम दूसरा बनाएंगे। कटलेट बन के रेडी है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गर्म होने रख देंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक कटलेट डाल देंगे। मैंने एक एक करके सारे कटलेट पलट दिए हैं। बस ये हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरीके के हम बाकी के भी सेक लेंगे। ये हमारे रशियन कटलेट बनकर तैयार हैं।